मूवी बैश में आज आप देखेंगे टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब मिस्ट्री थ्रिलर की हॉलीवुड मूवीज और ये होगा पार्ट 2। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, हम इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालते रहते हैं तो वहाँ पे भी आप जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। नंबर 10, एक डिप्रेस्ड लेडी जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, वो अपने हस्बैंड से सेपरेटेड है और साथ में उसकी बेटी भी उससे अलग रहती है। उसे अब एग्रोफोबिया नाम की बीमारी है, मतलब कि ज्यादा लोग उसके आसपास उसे पसंद नहीं। वो एक सुनसान घर में है जहां न्यू टेनेंट आते हैं, वो इन लोगों की लाइफ में सीक्रेटली पीक करना शुरू करती है। इस दौरान घर में अंधेरा होता है और होता है किसी का मर्डर। अब इस डॉक्टर के लिए चीजें बैक टू वर्स्ट में बदलना शुरू हो जाती है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ होता है जिस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं। मूवी का नाम है द वुमेन इन द विंडो, जो की आई थी 2021 में। 1 घंटा 40 मिनट की मूवी है दोस्तों, जिसमें ड्रामा और मिस्ट्री की कोई कमी नहीं, साथ में दिखेगा बढ़िया थ्रिल भी। वायलेंस का लेवल तो भाई साफ क्रेजी है, प्लॉट स्ट्रॉन्ग है और डल मोमेंट कहीं पे भी नहीं दिखेगा। डिम विजुअल्स और शेडी सीन्स कहानी को फुली जस्टिफाई करते हैं। आईएमडीबी रेटिंग है 5.7 और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। नंबर 9, अपने खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमा का सामना करने के बाद एक लेडी अब साइकेट्रिस्ट है और लोगों की मेंटल इलनेस को ठीक करने में मदद करती है। लेकिन एक पेशेंट ऐसी है जिसको ठीक करना तो दूर की बात, उसकी वजह से दोबारा डॉक्टर का पास्ट उसके सामने आता। वो बिजार और स्केरी एलिमेंट्स एक्सपीरियंस करती है। कैसे भी करके डॉक्टर को अपने ट्रबलिंग पास्ट को कन्फ्रंट करना है ताकि वो प्रेजेंट हॉरिफाइंग सिचुएशन से सर्वाइव और एस्केप कर सके। मूवी का नाम है स्माइल, जो की आई थी 2022 में। 1 घंटा 55 मिनट की मूवी है। हॉरर के सीन स्टार्ट से एंड तक अपने साथ कैद करके रखेंगे ऑडियंस को। हॉरर के साथ बढ़िया मिस्ट्री और थ्रिल की फीलिंग भी आती है दोस्तों। मेन कैरेक्टर ने अच्छा काम किया है, स्टोरी वेल थॉट आउट है, जंप स्केयर की बिल्कुल कोई कमी नहीं। नाम तो है स्माइल मूवी का, लेकिन चेहरे पे डर बना रहेगा। आईएमडीबी रेटिंग है 6.5 और इसे आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर। नंबर 8, कहानी 1979 की बताई गई है, जिसमें कुछ कास्ट एंड क्रू मेंबर्स पॉन मूवी बना के जल्द फेमस होना चाहते हैं। उसके लिए वो जाते हैं टेक्सास के रूरल एरिया में, जहां वो एक एल्डरली कपल से उनकी प्रॉपर्टी झूठ बोलकर रेंट करते हैं। लेकिन जब इस ओल्ड कपल को सच्चाई का पता लगता है तो कास्ट एंड क्रू को अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है और हर तरफ बस खून और फियर है। मूवी का नाम है एक्स, जो कि आई थी 2022 में। 1 घंटा 46 मिनट की इरोटिक स्लैशर हॉरर मूवी है दोस्तों, जिसमें आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री और थ्रिल इसके प्लॉट को फुली जस्टिफाई करते हैं। बहुत ही ज्यादा हॉट एंड न्यूड सीन्स इसमें हैं दोस्तों। कहानी के प्लॉट से आप खुद समझ जाओ कि किस लेवल के सीन्स आप इसमें देखोगे। डायरेक्टर ने विंटेज वाइब को प्रॉपर स्पेस दिया है। आईएमडीबी रेटिंग 6.5 और इसे आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर। नंबर 7, कैलिफोर्निया में एक सिबलिंग अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हैं। एक रात उन्हें खुले आसमान में कुछ मिस्टीरियस और सिनिस्टर चीजें दिखाई पड़ती हैं। वो हमेशा अपने हॉर्स रेंच के पास आते थे, पर ये पहला मौका है जब उनको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। वो शॉक है और स्केर्ड भी। वहीं पास में थीम पार्क का मालिक इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और इस मिस्टीरियस लुकिंग चीज से प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करता है। मूवी का नाम है नोप, जो की आई थी 2022 में। 2 घंटे 10 मिनट की मूवी है दोस्तों, जिसमें हॉरर के साथ बढ़िया मिस्ट्री एंड साइफाई पे मेकर्स ने अच्छा काम किया है। विजुअल्स आउटस्टैंडिंग है, जो कि एनिमेटेड दिखाई नहीं देते। मूवी के डायरेक्टर ने पास में भी काफी फेमस हॉरर जॉनर की मूवीज बनाई है, जैसे कि हॉरर न्योर, गेट आउट, कैंडीमैन, अब्रुप्टो एक्सेट्रा। इस बार एक रिफ्रेशिंग थॉट प्रोवोकिंग और एम्बिशियस टेक दिया है कहानी को। आईएमडीबी रेटिंग है 6.8 और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। नंबर 6, जॉब इंटरव्यू के लिए एक यंग लड़की टाउन आती है। उसने एजेंट के थ्रू एयरबीएनबी बुक किया हुआ है। वो लेट नाइट वहाँ पहुँचती है, बट ये जानकर शॉक हो जाती है कि एजेंट ने मिस्टेकनली वो रूम डबल बुक कर दिया है और वहाँ पहले से एक लड़का रह रहा है। कॉम्प्रोमाइज करके वो उस रात रूम शेयर करती है, लेकिन सिर्फ ये स्ट्रेंज लड़का ही उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जल्द कुछ डेंजरस और स्केरी चीजें भी अनएक्सपेक्टेड दस्तक देती हैं। मूवी का नाम है बारबेरियन, जो की आई थी 2022 में। 1 घंटा 42 मिनट की मूवी है दोस्तों, जिसकी कहानी में हॉरर मिस्ट्री एलिमेंट्स हैं और साथ में है थ्रिल का एंगल भी। कहानी स्टार्ट से इंगेजिंग है, शॉर्प, विटी और इंटेलिजेंट हॉरर को बहुत अच्छे से शूट किया गया है। प्लॉट स्क्रीन रन पे अच्छा काम हुआ है। कास्ट की एक्टिंग भी परफेक्ट है। स्ट्रेंजर्स के बीच के एरोटिक सीन्स भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसे आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। आईएमडीबी रेटिंग है 7, अवेलेबल है ये प्राइम वीडियो पर। नंबर 5, एक टेक बिलियनियर अपने दोस्तों के साथ गेटवे प्लान करता है। वो अपने प्राइवेट ग्रीक आइलैंड पे 5 दोस्तों को इनवाइट करता है।
खूब सारी मस्ती के बीच होता है किसी का मर्डर, और अब ये वीकेंड मर्डर वीकेंड में बदल जाता है। ऐसे में आता है वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव, जिसे इन्वेस्टिगेट करना है असली खूनी का, लेकिन ये इतना आसान नहीं। मूवी का नाम है ग्लास ओनियन, जो कि आई थी 2022 में। 2 घंटे 19 मिनट की एंटरटेनिंग मूवी है, कॉमेडी के साथ क्राइम का बढ़िया मिक्स है। मूवी नाइव्स आउट का ये सीक्वल है दोस्तों, जिसे क्लेवर तरीके से डिफरेंट टेक के साथ प्रेजेंट किया गया है। प्लॉट क्रिपिंग है और मर्डर मिस्ट्री का न्यू एंगल इसे मस्ट वॉच बनाती है। IMDb रेटिंग 7.1 और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। नंबर 4, एक फैमिली जो परफेक्ट है, खुश है और लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। ऐसे में एक फैमिली मेंबर की मौत हो जाती है, और इस लेडी की मौत के बाद घर में काफी अजीब एंड शॉकिंग चीजें होने लगती हैं। फैमिली के डार्क सीक्रेट्स एक एक करके रिवील होने लगते हैं। इस मौत के पीछे का राज और फैमिली में क्या हिडन बातें हैं जिसको लोग सामने आने नहीं देना चाहते, इन सब के लिए देखिए ये मूवी, जिसका नाम है हेरेडिटरी, जो कि आई थी 2018 में। 2 घंटे 7 मिनट की ये मूवी है। ड्रामा, हॉरर और मिस्ट्री का बढ़िया कॉकटेल है। कहानी इसके क्रिपी टोन और एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट के कारण काफी पावरफुल बन जाती है। इसका हॉरर एनवायरनमेंट और टेंस सिचुएशन कहानी को परफेक्ट बनाती है। ब्लड वायलेंस और थ्रिल से ऑडियंस एज ऑफ द सीट पे रहते हैं। साउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक पे अच्छा काम हुआ है। IMDb रेटिंग है 7.3, अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। नंबर 3, लेट 1800 का समय बताया गया है। एक रिटायर्ड टिम्बरमैन को एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलता है, जिसमें वो 2 वीक के लिए एक आइसोलेटेड आइलैंड पे जाता है। वहाँ उसे एक पुराने लाइट हाउस को वॉच करना है। वहाँ पे एक एल्डरली मैन को असिस्ट करता है वो। जल्द कुछ मिस्टीरियस, अननोन और स्ट्रेंज चीजें होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके एल लग जाते हैं। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए, चीजें बैक टू वर्स में बदल जाती है दोस्तों। उसके सामने अब सिर्फ 2 ऑप्शन है, अपने आप को कैसे भी करके सर्वाइव करना या फिर मौत। मूवी का नाम है दी लाइट हाउस, जो कि आई थी 2019 में। 1 घंटा 50 मिनट की फैंटेसी और हॉरर मिक्स मूवी है। सस्पेंस स्टार्ट से ही बना रहता है। ऑडियंस भी हमेशा ये सोचती है कि आगे क्या होगा। सीन्स को फुली जस्टिफाई किया है विजुअल प्रेजेंटेशन ने। साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा जिसे भी पसंद है वो ये जरूर देखें। न्यूड सीन्स हॉरर के साथ एडेड है। IMDb रेटिंग 7.4 और इसे आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर। नंबर 2, एक लेडी जो अपने 30s के करीब है, उसका पास बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज था। कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट्स ने उसकी लाइफ को हेल बना डाला था। अब ये एक न्यू अवतार में आती है, वो भी रात के समय में, किसी को भनक तक नहीं लगती, और चुन चुन के वो उन लोगों से बदला लेती है रात में जिन्होंने उसे पास में ट्रबल किया था। अपने साथ उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए रिवेंज भी लेना है, जिसने रेप होने का सामना किया था और बाद में सुसाइड किया था। मूवी का नाम है प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, जो कि आई थी 2020 में। 1 घंटा 53 मिनट की मूवी है। क्राइम तो स्टार्ट से ऐसा कि जैसे क्लाइमेक्स सीन्स चल रहे हो। मिस्ट्री एलिमेंट्स भी अच्छे एडेड हैं। लाफ्टर, क्राई और शॉक के सारे इमोशंस दिखेंगे। लीड कैरेक्टर की परफॉर्मेंस स्टनिंग है। 1-2 जगहों पे लव मेकिंग सीन्स और हल्के इरोटिक सीन्स जरूर हैं। IMDb रेटिंग है 7.5 और इसे आप देख सकते हो प्राइम वीडियो प्रीमियम पे। नंबर 1, गॉथम सिटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वहाँ के मेयर का मर्डर कर दिया जाता है और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है बैटमैन को। बैटमैन किलर के क्रिप्टिक रूल्स को फॉलो करके अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंटर करता है। उसके होश उड़ जाते हैं ये जानकर कि पॉलिटिशियन और पावरफुल लोग इस किलिंग के पीछे हैं। बैटमैन को अपने खुद के पास्ट का भी सामना करना है और साथ ही कल्प्रिट को दुनिया के सामने भी अनमास्क करना है। मूवी का नाम है द बैटमैन, जो कि आई थी 2022 में। 2 घंटे 56 मिनट की ये मूवी है दोस्तों, जो कि फुल एक्शन पैक्ड है। क्राइम का एंगल भी बढ़िया प्रेजेंट किया गया है। पॉलिटिक्स, रिवेंज और प्लानिंग क्राइम के लेवल को बढ़ा के रखती है। रॉबर्ट पैटिनसन एज बैटमैन है। DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की झलक दिखाई पड़ती है इसमें। लोगों ने इसके विजुअल्स और फाइट सीन्स की बहुत तारीफ की है। IMDb रेटिंग है 7.8 और इसे आप देख सकते हो प्राइम वीडियो प्रीमियम पे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन से वीडियोस आप देखना चाहोगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।